हेलो दोस्तों, मेरा नाम है श्रेय और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बहुत ही कमाल की और न्यू एप्लीकेशन के बारे में बताने वाला हूँ, एकदम नई एप्लीकेशन के बारे में जो आपने पहले कभी नहीं देखी होगी। जैसा कि आपने मेरा मोबाइल देख रहे हैं कितना स्मार्ट लग रहा होगा, आप लोगों को हर चीज़ आपको यहाँ पर लाइव देखने को मिल जाती है और यहीं से ही ओपन करने को भी मिल जाता है। लाइव वॉलपेपर मिल जाते हैं, वॉइस असिस्टेंट मिल जाता है और भी काफ़ी सारे शॉर्टकट फंक्शन जो आपके फ़ोन को काफ़ी स्मार्ट वर्क करने में मदद करेगा और काफ़ी स्मूथ रन करता है आपका मोबाइल इस लॉन्चर को अपने मोबाइल ऐप में डाउनलोड करने में। तो मैं ये आप लोगों को सब बताऊंगा इस वीडियो में, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और देखते देखते इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ। उसके बाद आप लोगों को यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, आप यहाँ पे जैसा कि देख रहे होंगे मेरे यहाँ पे टॉप पे सब आपको लाइव देखने को मिल रहा है। उसके बाद जैसे ही मैं वहाँ पे ओपन करता हूँ, जैसे स्टोरेज हो गया, कितना यूज़ हो चुका है, हमारी बैटरी, तो सब कुछ यहाँ पे लाइव देखने को मिलता है। उस पर क्लिक करिए और डायरेक्टली आप उस ऑप्शन पर पहुँच सकते हैं, आपको डायरेक्टली वहीं पर ले जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको जियो फाई दिख रहा है, मेरा मोबाइल कनेक्ट है, मोबाइल डेटा मिला और काफ़ी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिल रही हैं जिनको आप यहीं से डायरेक्टली ओपन कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से यहाँ पर शॉर्टकट बना हुआ है। तो हर चीज़ यहाँ पर आप लोगों को स्क्रीन लाइव दिखाता है, आपको कुछ भी ओपन करने की जरूरत नहीं। उसके बाद आप यहाँ पे सेटिंग के बटन पे क्लिक करते हैं तो आपको यहाँ पे कुछ छोटी मोटी सेटिंग मिलती हैं जिनको आप यहाँ से क्रिएट करके और भी शॉर्टकट्स बना सकते हैं अपनी ऐप में चलाने के लिए, जो भी आप मोबाइल में रन कराना चाहते हैं। तो आप अगर शॉर्टकट क्रिएट करना चाहते हैं तो इससे कर सकते हैं। उसके बाद अगर आप यहाँ पे ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो आपको यहाँ पे मिलता है ऑप्शन काफ़ी सारे। तो यहाँ पे आपको तीन ग्रिड जो वहाँ पे ऊपर तीन बने हैं उसको क्लिक करते हैं तो आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको अल्फ़ाबेट वाइज चाहिए या फिर ग्रिड के हिसाब से चाहिए। ऊपर की तरफ स्वाइप करते हैं तो यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है जहाँ पर आप बहुत ही स्मार्ट सर्च कर सकते हो। जैसे आप कुछ भी टाइप करोगे तो आपके सामने ब्राउज़र खुलाएंगे, तो उन अपने फेवरेट ब्राउज़र से फिर आप यहाँ पे ब्राउजिंग कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे माइक का बटन दिया होता है जिसको कहते हैं वॉइस असिस्टेंट, तो यहाँ पे ये वॉइस असिस्टेंट आपको बहुत ही कम ऐप्स में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही वॉइस पे बीच में क्लिक करोगे तो आप यहाँ पे इसको कुछ भी बोलोगे तो ये आपका सारा काम करेगा। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं इसको दिखा नहीं सकता क्योंकि बैकग्राउंड में स्क्रीन रिकॉर्डर चल रहा था तो ये आगे प्रॉपरली वर्क नहीं कर रहा था, रिकॉर्ड नहीं हो रहा था। उसके बाद आती हैं आपको थीम्स मिलती हैं इस ऐप में, आपको बहुत सारे वॉलपेपर मिलते हैं, करीब 200 से भी ज़्यादा वॉलपेपर मिलते हैं, थीम्स मिलते हैं। DIY डू इट योर सेल्फ, मतलब कि आप अपना खुद का वॉलपेपर भी बना सकते हो यहाँ से, कुछ तरीके हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो मैं ऊपर वाले 12 स्टाइल्स दी हुई हैं, उन जैसे जैसे आप क्लिक करोगे कलर भी चेंज होगा और उसकी जो रनिंग है वो भी काफ़ी चेंज हो जाएगी, पूरा लुक जो है वो बदल जाएगा। उसके बाद यहाँ नीचे का ऑप्शन है, ये ब्राइटनेस का है, इसको कम ज़्यादा आप अपने हिसाब से कर सकते हो ब्राइटनेस, ताकि आपकी बैटरी पे असर ना पड़े। और यहाँ पे बैटरी सेवर भी है तो चाहिए चिंता ना करें कि ये लाइव वॉलपेपर है तो आपकी बैटरी बहुत ज़्यादा लेता होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे मैं आप लोगों को वॉलपेपर दिखा देता हूँ, तो वॉलपेपर में आपको सुपर हीरो और काफ़ी सारे वॉलपेपर मिलते हैं, तो मैं यहाँ पे एक सेलेक्ट कर ले रहा हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन मिलता है इसका कलर बदलने का, तो आप यहाँ पे वहाँ पे उसका कलर भी बदल सकते हो ताकि आप अपने थीम के हिसाब से उसको लगा पाओ, तो यहाँ पे वो लग जाता है और आपका फ़ोन जो है वो और स्मार्ट लगता है। उसके बाद यहाँ पे इसकी ऐप की कुछ सेटिंग है वो भी यहाँ पे हैं, तो आप अगर आप करना चाहते हो, ऐप लॉक भी है इसमें, थीम्स हैं, तो पे आप डायरेक्टली भी इन सेटिंग्स को चेंज कर सकते हो। तो उम्मीद है अच्छा लगा होगा वीडियो, तो धन्यवाद हमारी वीडियो देखने के लिए।